सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वाइस चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमोनी कोचरावाला डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिशनरी इरफान डैनियल ने कहा है कि मसीही पाकिस्तान में शेर पसंद अनासर का निशाना बन रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान मसीहियों की बालादस्ती का सबूत है। पाकिस्तान मसीही जुल्म सितम का शिकार हो रही है। सानहा जड़ावाला में मसीही लोग एक बार फिर शेर पसंदी का शिकार हो रहे हैं और आज तक इंसाफ नहीं मिला। मसीहियों के घरों को जला दिया गया, बाइबल मुकदस की तोहीन करके नसरियातिश किया गया, गिरजा घरों को जला दिया गया। पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी खौफ में मुब्तला है क्योंकि यहाँ पर किसी को इंसाफ फराहम नहीं हो रहा और मामला सिर्फ मजम्मत की हद तक रह जाते हैं। जिस कदर जुल्म और सितम हुआ है, तारीख गवाह है कि क्या पाकिस्तान से लेकर आज तक इस तरह की नफरत अंगेज दहशत गर्द नहीं देखी गई। शेर पसंद अनासर ने अपने मजमूम इरादों की तकमील के लिए जिस तरह जड़ावाला के तमाम छोटे बड़े चर्चेस को निशाना बनाया है, उससे साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर नफरत का बाजार गर्म है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए अमन इकदाम करे। नैन सेवन पाकिस्तान पॉलिसी एम्बेसी अकवाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल तंजीमों को चाहिए कि पाकिस्तानी मसीहियों को तहफ्फुज़ दिलाने में अपना किरदार अदा करें ताकि मसीहियों की ज़िंदगी महफूज हो सके।